स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन मैं बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई होगी, उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया होगा तो हम उसे वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन में वाइस वर्सा कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, वो कहता है कि कन्वर्ट द वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास आपने देख लेना है कि आपके पास जो इनिशियल वैल्यू वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई होगी उसे आपने लिख लेना है, ठीक है ना। उसे आपने अगर क्वेश्चन नंबर लिख देना है कि हमारे पास जो वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है उसे आपने क्वेश्चन नंबर वन का नाम देना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि आपने जब पिछली वीडियो को आपने अगर देख लेना है वो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो उसमें हमने ये किया था कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया था तो उसको हमने क्या किया था, टू टाइम इंटीग्रेट किया था। अब हमारे पास वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है तो हम इसे ऑब्वियसली जो है ना क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टू टाइम। लेकिन इसमें हमें यानी कि क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को फाइंड करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें जो है ना इसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन भी रिक्वायर्ड होगी, तो हमें वो भी फाइंड करनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने से पहले हम जो है ना इसकी फर्स्ट जो है ना इनिशियल कंडीशन को फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है वो क्या है, वाई एफ एक्स इज इक्वल टू है -0 से x, x माइनस टी वाई एफ टी डी टी, इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे इसे। तो फर्स्ट कंडीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 पुट करेंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एफ जीरो इज इक्वल टू -0 से 0, 0 माइनस टी वाई एफ टी डी टी। हम जानते हैं कि जो है ना जब इंटीग्रल की लिमिट कॉन्स्टेंट हो तो हम उसे 0 को इक्वल पुट करते हैं, 0 कॉन्स्टेंट हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज के वाई एफ जीरो इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास हासिल हो जाएगी, हम फर्स्ट कंडीशन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन है इसको हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तब हम इक्वेशन नंबर वन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसको हम वाई एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई डैश ऑफ एक्स। जब वाई एफ एक्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसको वाई डैश ऑफ एक्स लिख लेंगे। तो ये क्लियर है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ओनली। तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक्स का ही यानी कि एक्स फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेंगे, बाकी को हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम यानी का इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं -0 से एक्स वाई ऑफ डी, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हम इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, टी एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव वन हो जाएगा, टी के लिहाज से कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास वाई डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा -0 से एक्स वाई ऑफ डी, इसको हम इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन टू का नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अब हम एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें अब दूसरी कंडीशन भी फाइंड करनी है। पहले हमने सिंपल कंडीशन फाइंड किया, अब हम डेरिवेटिव वाली कंडीशन फाइंड करेंगे। तो अब इसमें हम एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा वो क्या बन जाएगा, वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू है -0 से 0 वाई ऑफ डी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा फंक्शन 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई भी इंटीग्रल हो और कॉन्स्टेंट उसकी लिमिट हो 0 हो तो वो उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी वो क्या बन जाएगी, हासिल हो जाएगी हमारे पास वाई डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमारे पास दूसरी इनिशियल कंडीशन भी हासिल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है हमने फाइंड किया है ये सेकंड इक्वेशन, अब हम इसे क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। जब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश वाई डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे इस इंटीग्रल इक्वेशन पे 0 से एक्स वाई ऑफ डी डी टी। तो इंटीग्रल जो है ना डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, वाई ऑफ टी और लिमिट हो जाना हम अप्लाई। हम जानते हैं कि जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल करते हैं तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास वाई डबल डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा वाई डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0। तो वाई ऑफ 0 हम जानते हैं कि 0 के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल है
माइनस वाई एफ एक्स के। तो इसको हम लिख सकते हैं y डबल डैश ऑफ x प्लस वाई एफ एक्स इक्वल जीरो। और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन हमने फाइंड की वो क्या थी, वाई एफ जीरो इक्वल जीरो की, और सेकंड कंडीशन हमने क्या फाइंड की थी, वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल जीरो। तो ये हम अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और इसके ठीक है ना, तो पिछले वीडियो में हमने इसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसी वीडियो में कोई बात समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।